लेविस भाई, इस बार मैं ऐसा ग्लिच लाया हूँ ना जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। ऐसा कौन सा ग्लिच है भाई? भाई बस तुम देखो, 3, 2, 1। What? PhD भाई? Bro किधर गए? ये कैसे किया भाई? PhD भाई जादू वादू सीख के आए हो क्या? तो ये हूँ मैं, using a secret trick to disappear in survival mode, वो भी armor के साथ in this Minecraft SMP। पर क्या है ये ट्रिक जो इतनी सिंपल होकर भी इतनी ज्यादा डेंजरस है? अब ये सीक्रेट ट्रिक क्या है और कैसे काम करती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले इतनी अच्छी ट्रिक हाथ में लगी है तो उसे शो ऑफ किया जाए। तो मैं चला जाता हूँ एक एसएमपी मेंबर के पास। यो सेनपाई, भाई कैसे हो? देख सेनपाई, मैंने एक बहुत ही खतरनाक चीज बनाई है लापता एसएमपी में, और सबसे पहले मैं तुझे बताने वाला, तो तू मेरे साथ चल सिर्फ, ठीक है? चलो 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 जल्दी, सीधे चलना है बस। कहाँ जाना है पर? क्या हुआ पीयूष भाई? चलो एक मिनट एक मिनट, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ठीक है वेट कर रहा हूँ। ए कहाँ कहाँ, व्हाट द हेक, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है? चलना। नहीं 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 नहीं, क्या हो रहा है ये? अरे कुछ नहीं हुआ, क्या दिख रहा है तुझे? अरे नेट लैग हो रहा है क्या? मेरा तो सही चल रहा है। पता नहीं भाई, समझ नहीं आया, कुछ तो हुआ बहुत तगड़ा सा अभी। कुछ नहीं हुआ, जल्दी चल भाई, तन पाए आ जा। यप चलो अंदर है भाई, बहुत ही मजा आएगा। आजा आजा आजा, देख इधर से हमको सीधे जाना है। यहाँ पे कॉब्वेब है ना, साइड में से चलते हैं, डिक करके रुको। अरे रुक रुक, तेरे को तो जाते आना चाहिए, ये तो तेरे ही घर के दुकान है। वो तो है बट चल फिर इसके थ्रू। एक इतना तेजी कैसे दिखा रहे हो यार, ये कैसे हो रहा है? ये सब मेरा ग्लिच है कि क्या है? ये सब अभी तक आया क्यों नहीं तू भाई? अरे यार क्या है ये मेथड, मेरे को अपने इंसानी तरीके अपनाने पड़ेंगे, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा भाई। माइन करके आ रहा हूँ मैं। तन पर हेलो, पीछे हूँ मैं। क्या हो रही है? आजा सेनपाई। चलो चलो चलो, बस पहुंच गए भाई। भाई कहाँ जाना है? ये तो रास्ता बंद है, इधर ही जाना था, लेकिन चल छोड़। रास्ता बंद, घुस जाते अंदर। आजा कैसे? अरे भाई ये हो क्या रहा है? तू कहाँ रह गया? तू आना जल्दी। कैसे यार कैसे, मैं मुंह मार रहा हूँ इसमें, घुस तो पा नहीं रहा हूँ, कैसे कर रहे हो ये सब? पीछे देख। यो कैसे भाई, कैसे कैसे भूत। ओके सेनपाई, ओके जैसे ये सीढ़ियां हम चढ़ेंगे ना, वैसे ही हमको मिल जाएगा वो जगह, ठीक है? पहले मैं जाता हूँ, ठीक है? फिर तू जाना सीढ़ियां थोड़ा राइट में। अरे हाँ एक सेकंड बेटा, नीचे आओ। आजा भाई, आप नीचे आइए बेटा। भाई क्या हो गया? स्पाइडर मैन मोबिलिटी आप यूज कर रहे हो यार। यार ये क्या है? चलो भाई, ये सीरियसली कैसे हो रहा है यार ये सब? आई एम स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड भाई। अब इस ट्रिक को यूज करके मैंने सेनपाई के मजे तो ले लिए थे, लेकिन अब बारी थी कुछ डेंजरस करने की, इसीलिए मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन निज गेमर को बुलाता हूँ। ओहो हेलो पीएसटी भाई। हेलो निज भाई, बड़े दिन हो गए आप लापता एसएमपी में नहीं आए। हां वही देख रहा था भाई, और आपकी एब्सेंस में मैंने रिनोवेट करा दी है पूरी एसएमपी। वही देख के मैं हैरान हो रहा हूँ। देखो भाई, ओके देखो भाई, नए नए बिल्ड्स बनवाए हैं मैंने भाई। ये क्या है? आओ आओ, ये पोकी बॉल दिखाता हूँ आपको। कुछ तो हुआ भाई, काम सही है, सही है, मस्त लग रही है एसएमपी एक्चुअली, है ना? इसके अंदर और भी स्पेशल चीजें, आओ ना भाई दिखाता हूँ यार। इतनी मेहनत करी है हमने सर्वर पे। तो नीज भाई, पीएसटी भाई, आपको तो याद होगा भाई, आपको मैंने हेड सील एसएमपी में भरोसे से बुलाया था। हाँ भाई, और आपने मेरे साथ क्या किया? पीएसटी भाई, क्या हुआ नीज भाई? भाई कुछ नहीं हुआ, ऐसे याद रखना कि हमारी लापता में तो दुश्मनी थी, शायद वही जो अभी आप मेरे साथ करने वाले हो, शायद वही करूंगा, और मैं फेल नहीं होने वाला जैसे आप हो गए थे। तो बताओ किस टाइप से आप जाना चाहोगे अब इस एसएमपी से? बॉयज। क्या? मैं ही बोल देता हूँ। बॉयज कहाँ पे हो? नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। आज अकेले हो गया भाई? दिख रहे हैं क्या आपको इनविजिबल पार्टिकल्स? दिख रहे हैं कुछ? दिख रहा है? दिख तो नहीं रहे भाई, आज अकेले। ओ अकेले तो नहीं मार पाओगे पीएसटी भाई, मैं ट्राई करूँ आपको मार के। इस भाई लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। जाओ पीछे जाओ, करो ना भाई कुछ तो करो यार, आप मारोगे कैसे? मैं तो ये समझ रहा हूँ। इस भाई मेरी इतनी वीडियोस देख ली आपने, फिर भी आपको रूल्स नहीं मालूम क्या? भाई देखो मैं रूल दूसरा रूल बताऊंगा सिर्फ, ठीक है? बताओ क्या है, बताओ हमारा दूसरा रूल। चड्डी गैंग नेवर कम्स अलोन बॉयज। What? क्या हो गया निज भाई, हवा में उड़ के आ गए आज हमारे बॉयज? क्या हो रहा है ये, लापता एमपी है ना भाई? ठीक भी तू चुप हो जा, चुप हो जा तू, मुझे बात करने दे। निज भाई आपकी एसएमपी में ये सब हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा? आओ लेविस भाई फुटबॉल बना के खेलते हैं निज गेमर का मारने से पहले। भाई मारो मत मुझे बार, आपने तो बोला था क्या गेम था वो, एक कुछ तो गेम बनाया था निज गेमर के साथ खेल लेते हो। फेवरेट गेम ही तो खेल रहे हैं लोग। ओके बस 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 हो गया, बस हो गया, बस हो गया। आओ भाई अभी खत्म करते हैं गाइस, आ जाओ।
भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है ये? अब तो आपके साथ होगा, क्या होगा भाई ये क्या? अब आप मरोगे। कहाँ भाग रहे हो? मैं जा रहा पीएसटी भाई, बस बहुत होगा। पीएसटी भाई बहुत इस साइड कैसे आ? एक और भाई, कितने हो आप पीएसटी भाई? ओ नहीं 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 नहीं, क्या हो रहा है ये? गाइस इनविज रह के इस गेम को पेलो पेलो जल्दी। इनविज टीवी डीओपी सारे इनविज आ गया भारे निस गेमर। हेलो हेलो, क्या कर रहे इस भाई? ओ भाई बंदे लेके आओ जल्दी। अरे इनविज होने डीओपी टीवी क्या कर रहा है? इनविज रहो सारे, इनविज रह टीवी, इनविज रह। अरे डीओपी डीओपी सुन सुन सुन, वो लोग आए, उनको उनको कंफ्यूज कर, तू जा कहां से मार रहे हो? रुको रुको मैं देखता हूं, देख कंफ्यूज कर, जल्दी जा करो। क्या इनविज होना, क्या नाम है तेरा? टीवी आ गए भाई वो लोग भी। हेलो, अरे 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 मैं तो गायब हो गया। पीछे देखो भाई, कहाँ देख रहे हो? अरे अरे फिर से गायब हो गया, शिट। अरे भाई लोग, हेलो भाई, ये लोग मुझे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? यूपी देख रहे हैं ना उनको? हाँ हाँ, अरे देख रहा हूँ पीएसटी भाई, आप खत्म करो गाइस जल्दी। ए, भाई छोड़ना नहीं, कहाँ जा रहे हो भाई? गाइस जाएंगे यहाँ से भाई, एक्स यूज़ करो, आग दिखेगी नहीं तो एक्स यूज़ करो। ओके ओके भाई, मैं ये लोग को देख रहा हूँ, आप निस गेमर देख 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 खत्म कर। अरे भाई आप खत्म करो निस गेमर को जल्दी, मैं इन्हें और नहीं रोक पा रहा। पीएचडी भाई आपकी तरफ आ रहे हैं वो पोकेबॉल पे। देखो भाई, भाई हम नहीं दिखने वाले निस भाई आपको। अरे यार मैं इनविजिबल फोर्स मार रही है। अरे वाह, आर्मर क्या बैठ गया? पीएचडी भाई पहुंच गए, वो कर क्या रहे हो आप? अरे किधर है निस गेमर, किधर जा रहे भाई? भाई काहे का लेट्स गो, वो आपके ऊपर है, आप कैसे निकलोगे? ऊपर आ रहे हो, जल्दी बताओ क्या करना है? ब्लॉक माइंड कर रहे हैं भाई। आगे वो ऊपर आ गए, ऊपर 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 आ गए भाई। रुको रुको रुको, निकलने का टाइम नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। रुको रुको, बोलो बोलो जल्दी करो, करना क्या? गायब हो जाओ। अरे आ गए वो, नहीं जल्दी कर दे। ओ भाई दूर दूर दूर, गाइस 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 गाइस, उनके कांटेक्ट में था। सुनो इंटरपोल है, उन्होंने ब्लॉक तोड़े, भागो ऊपर से। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अरे भागो, निकल गया भाई, उठ गया, भागो भाई, मुंह के सामने नहीं लोल भाई, आ गया आ गया आ गया, निकलो, निकल गया भाई, मैं निकल गया, तीन चार रैंडम ना निकलो, निकल गया भाई, मैं तो बाहर हूं। डीओपी भाई वो उधर ही है सच में, सही में वही है भाई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारे पिछले दोनों वीडियोस के 100K के लाइक टारगेट को पूरा कर दिया है, तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो का भी लाइक टारगेट है 100K लाइक्स, तो जल्दी से लाइक करो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे 550K सब्सक्राइबर्स होने वाले और हेड स्टील एसएमपी का सीजन 2 आएगा, तो जितनी जल्दी जितनी ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो उतनी जल्दी वीडियो आएगी। और यार हेड स्टील एसएमपी पे इतना सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच यार, हमारी हर एक वीडियो ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूज टच करने वाली है, थैंक यू सो मच। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और अभी आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दुश्मन निस गेमर से तो हमने बदला ले लिया था, लेकिन अभी भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी थी। कौन सी जिम्मेदारी? ड्रैगन एग। तो देखो कुछ दिन पहले हमने निस गेमर से ड्रैगन एग छीन लिया था, इसका मतलब ड्रैगन एग के ओनर अभी चड्डी गैंग है। पर ये ड्रैगन एग को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है? सिर्फ एक रेयर चीज ही तो है, इसका कोई यूज भी नहीं है। गलत। तो देखो लापता एसएमपी में अगर तुम बैन हो गए तो तुम ऑलमोस्ट परमानेंटली बैन हो जाते हो, और अगर आपको बैन होने के बाद वापस आना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एक रिवाइव बुक बनाकर। पर रिवाइव बुक बनाना कोई सिंपल सी बात नहीं है, क्योंकि उसे बनाने की रेसिपी में लगता है ड्रैगन एग, और ड्रैगन एग पूरे सर्वर में सिर्फ एक ही है, इसका मतलब सिर्फ एक ही रिवाइव बुक बनाई जा सकती है। दैट इज द रीजन Why? ड्रैगन एग इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसे किसी भी कीमत पर हम हमारे एनिमीज के हाथ नहीं लगने दे सकते। अरे तो भाई सिंपल है ना, एंडर चेस्ट में छुपा देते हैं, कोई ले ही नहीं पाएगा। ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हमने सर्वर ओनर निस गेमर से ड्रैगन एग छीना था, उसके कुछ ही टाइम बाद एक नया रूल आ गया भाई। गाइस ड्रैगन एग के लिए एक न्यू रूल है, आप उसे किसी भी चेस्ट में नहीं रख सकते, किसी भी एंडर चेस्ट में नहीं रख सकते, अपने इन्वेंटरी में रख सकते हो या फिर कहीं पे प्लेस कर सकते हो, क्योंकि औरों को भी मौका मिलना चाहिए ना लेने का। करेक्ट 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 भाई, सभी के लिए रूल बनाया गया था, क्योंकि औरों को भी मौका मिलना चाहिए ना लेने का। नहीं, ये रूल हमारे लिए, हमारे पे गोली थी भाई, इसका टारगेट सिर्फ हम थे, और इसी रूल के कारण हमारी पहली प्रायोरिटी बन गई थी इस ड्रैगन एग को सेफ रखना। यस भाई, यस भाई, यस। एंड गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यू टीम मेंबर गेमबीट। हेलो गेमबीट भाई, कैसा लग रहा है हमारी टीम में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, दिल गार्डन गार्डन, और मौसम बढ़िया, हमारे सामान का जीरो तो अच्छा ही लग रहा है।
लगेगा ना भाई। ओके अब नए रूल्स जो आए हैं, इस एक को हमको इन्वेंटरी में रखना पड़ेगा या फिर कहीं प्लेस करना पड़ेगा, तो इन्वेंटरी में रखने की कोई जिम्मेदारी लेने वाला है यहाँ पे? नहीं। अरे भाई क्यों, ट्रैप रैप से अगर ये ऐसे किधर भी रख के रखेंगे तो वैसे ही चला जाएगा भाई, अपने पास ही रखो ना भाई। मैंने आपको ड्रैगन एग दिया था उसकी हिफाजत के लिए और आप हमें वापस दे रहे भाई? अच्छा ठीक है, मतलब हमको इसको कहीं पे प्लेस ही करके रखना पड़ेगा। और मेरे पास एक बहुत खतरनाक आइडिया है। ऐसा क्या आइडिया है? हम लोग बनाएंगे बेब्स। नहीं भाई, सुपर एडवांस सीक्रेट हिडन चेम्बर बेस, जहाँ से इस एक को लेना इम्पॉसिबल होगा। पर भाई वहाँ से तो कोई भी चुरा सकता है? नहीं। क्यों? वही तो खास बात होगी इस जगह की, इतनी खतरनाक चीज आपने आज तक नहीं देखी होगी। लेकिन पहले हमको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हम ये बेस बनाएंगे। चलो दोस्तों, चलो अभी हम लोग जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोग ये सीक्रेट हिडन, क्या नाम है उसका, एक सेकेंड, सुपर एडवांस सीक्रेट हिडन चेम्बर बेस। डीओपी याद कर ले, अगली बार तुझे पूछूंगा भाई। फुल याद है मुझे पूरा। और वहां से थोड़ा दूर जाकर हम लोग एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढ लेते हैं। ओके तो गाइज ये जगह है जहाँ पे हम लोग अपना डीओपी, डीओपी नाम बता। वेरी बिग लार्ज सेफ्टी ड्रैगन एग चैम्बर, वो बनाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा एकदम झाड़ियों के अंदर दिखेगा, पर उसके लिए हमें थोड़ी जगह क्लियर वगैरह करनी पड़ेगी और सामान भी बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो डीओपी, यस, मैंने तुझे सामान की लिस्ट भेजी है, जल्दी जाके वो सामान कलेक्ट कर। तब तक बॉयज हमको ये जगह खाली करनी है और यहाँ पे सीक्रेट बेस की तैयारी करनी है। यस प्रभु, लग जाओ काम पे। तो हम लोगों ने जितना एरिया चाहिए था उतना एरिया खाली तो कर लिया है और डीओपी भी आ चुका है सारा सामान लेके। हेलो दोस्तों, किंग इज हियर। डीओपी बता हम लोग क्या बनाने वाले हैं? सुपर सीक्रेट ड्यूपर ड्रैगन बिल्डिंग। गुड, अभी क्या है ये जो है, बस मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है। ओके बताओ कि मतलब यहाँ पर ड्रैगन हम कहीं भी रखेंगे, मतलब कुछ भी बना ले तो वो सेफ कैसे है? तोड़ तो मतलब कोई भी सकता है, ब्लॉक तोड़ के ले जाएगा, नीचे से ऊपर से कहीं से भी आ सकता है। और मुझे पता है कि आप सबको भी यही डाउट आ रहा होगा, बट डोंट वरी, हमारा सीक्रेट हिडन चेम्बर बेस एक रेडस्टोन मास्टरपीस होने वाला है। सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड लेट्स स्टार्ट द बिल्ड। तो दोस्तों हमारा सुपर एडवांस हिडन चेंबर बेस इज रेडी। हाँ मतलब हमने बनाया। यस यस, तुम लोगों ने बनाया पर तुमको पता नहीं कि अंदर क्या है, तो मेरे पीछे आओ। ये आज तक का मेरा सबसे ज्यादा एडवांस रेडस्टोन बिल्ड है भाई। इतना एडवांस रेडस्टोन बिल्ड आपने कहीं नहीं देखा होगा। सही बात है। देखो अंदर आते ही हमें लग चुका है माइनिंग फटीक। माइनिंग फटीक लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक भी चीज तोड़ेंगे तो उसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर भाई इसमें क्या हिडन है, ये तो नॉर्मल बेस है, यहाँ पे ड्रैगन एग रखेंगे कोई भी चोरी कर लेगा भाई, इसमें सीक्रेट क्या है? इसको नॉर्मल समझने की गलती मत करना। अब इसकी सीक्रेट चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि इसके सीक्रेट चेम्बर को एक्सेस करने के लिए हमें एक सीरीज ऑफ कोड परफॉर्म करना होता है। नाचना पड़ता है? नहीं नहीं, इस घर के अंदर आपको अलग अलग जगहों पर ये कैंडल्स दिख रही है, एक ये दूसरी कैंडल, ऐसी बहुत सारी कैंडल्स है, और इन कैंडल्स को अगर हम सही तरीके से जलाते हैं तभी हमारे सीक्रेट एंट्रेंस खुलती है। और वो कोड इतना सीक्रेट है कि मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। तो बाहर निकलो और लेट मी एंटर द कोड। निकलो लैपिस भाई। तो मेरे को तो बोला नहीं निकलने को, तुम दोनों को बोला। निकलो, दिखा दी भाई। अच्छा लैपिस भाई आप रुक सकते हो क्योंकि आपके पास ही जाने वाला है कोड। निकलो भाई। ओके लैपिस भाई, मैं कोड एंटर कर रहा हूँ। यस भाई। फिर हमारा आता है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ये लग गया ये, एंड नाउ फाइनल। ओके लग गया है दोस्तों, आ जाओ और जादू देखो मेरे सुपर एडवांस हिडन चेम्बर पे। ओह माय गॉड, अबे ये क्या हो रहा है? यस पूरा नीचे तक करे, नीचे तक आ जाओ गाइस, सब लोग नीचे आ जाओ। अरे भाई भाई, यहाँ पे रखोगे क्या ड्रैगन एग? तो यहाँ पे हम लोगों ने छुपाया है या फिर सिक्योरली रखा है हमारा ड्रैगन एग। भाई इसमें सिक्योर क्या है, मतलब कोई भी किधर से भी आकर तोड़ के ले जा सकता है इसको। फूल लगाने से थोड़ी सिक्योर होगा। और एक सेकंड,
ब्रो इतने सारे हमारे पूरे नेदरराइट यहाँ क्यों लगा दिए? बताता हूँ देखो, इस रेडस्टोन सिक्योरिटी को लेकर मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमने अपने सीजन चालू होने से आज तक की पूरी नेदरराइट की मेहनत इधर लगा दी कि ये चोरी हो ही नहीं सकता। भाई चोरी हुआ ना, सुनो अगर चोरी हुआ नहीं होगा भाई, मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे नेदरराइट के इतने ब्लॉक चाहिए। और भाई आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो, मतलब इस बेस में से कोई भी ड्रैगन आपको इजीली चुरा सकता है, एक मिल्क पिएगा यूं तोड़ लेगा भाई। इतना भी आसान नहीं है लैपिस भाई। भाई ऐसा क्या है अब इसमें? ये मैं तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके लिए हमको अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ पे मैं तुमको दिखा सकता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई कुछ भी तोड़ने की कोशिश करे तो उसके साथ क्या होगा। तो ये है हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड जहाँ पे हमने एग्जैक्ट सेम बिल्ड रेप्लिकेट किया है। अब स्टीवी, अब तू क्या कर, यहाँ पे कहीं भी ऊपर नीचे कोई भी जाके एक ब्लॉक तोड़ना और फिर देखना कि क्या होता है इस ड्रैगन के साथ। मैं ये तोड़ रहा हूँ, ठीक है पेस्ट में। अच्छा चल तोड़, 1 2 चल तोड़ दिए। अरे भाई सुना क्या? अरे अबे भाई देखा, ये सिक्योर है, ये पता नहीं क्या है। अगर कोई ड्रैगन एग चुराने आएगा और उसने हमारे सारे रूल तोड़ दिए तो ड्रैगन एग किसी को नहीं मिलेगा। इसका मतलब या तो ड्रैगन एग हमें मिलेगा या तो किसी को नहीं मिलेगा। ओके गाइज, वी आर बैक इन लापता, लेट्स गो बैक। चलो भाई फिर से यहाँ पर गार्डन बना देते हैं, फिर किसी को समझेगा ही नहीं कि यहाँ पे नीचे कुछ है भी। हेलो, गार्डन बनाने की जरूरत नहीं है, इसका नाम क्या है? चैम्बर ड्रैगन एग बेस, टूटा हुआ बेस, बूम बम बेस। लेट मी शो यू द मैजिक, मैं फिर से कोड डाल रहा हूँ। अब देखो दोस्तों इसका जादू, ये आखिरी की है, कोई गार्डन बनाने की जरूरत नहीं है, बस तुम शो देखो। ए यो 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 भाई, ये तो पानी आ गया। अरे ऊपर देखो बिटिया, ऊपर देखो। ओ अरे लावा आ रहा है। अब देखो दोस्तों, देख रहे हो भाई, सुपर एडवांस हिडन सीक्रेट चेंबर बेस, इट्स नॉट डन येट, इट इज नॉट भाई। गाइस इसीलिए मैं कह रहा था कि ये मेरा आज तक का हम लोग का सबसे ज्यादा एडवांस रेडस्टोन का बिल्ड है। और फिर मैंने इस जगह को खोलने के कोड्स एक बुक में लिखकर मिस्टर लैपिस को दे दिए और इसी तरह हमने हमारे ड्रैगन एग को 100% सिक्योर कर लिया था। लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम आ गई थी। व्हाट? हेलो दोस्तों, निस गेमर, इनको कैसे पता चला? इसने बताया? क्या पता? अच्छा तो यहाँ पे छुपा के रखा है आपने ड्रैगन एग, काफी अच्छी जगह है। कैसे आए यहाँ पे आप? पॉल से। वो तो हमें भी बताया। लोकेशन कैसे पता लगे भाई? इतना भी मुश्किल नहीं है, वो इजीली मिल सकती है पीएसटी भाई, बहुत दूर नहीं गए हो आप। देखो निस भाई हमारा एरिया है, निकल जाओ मारे जाओगे। पीएसटी भाई या तो आप खुद ड्रैगन एग दे दो वरना हम अपने तरीके से ले लेंगे। अरे भाई पिटने का ज्यादा शौक है क्या आपको? खुद ही आ गए। आ जाओ भाई ट्राई कर लेते हैं। देखो रुको, झगड़ा मत करो, यहाँ पे झगड़ा करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो निस भाई, आप चाह के भी आप यहाँ से ड्रैगन एग नहीं ले सकते। क्यों भाई, अपने नीचे दबा रखा है क्या? अरे आपको पता नहीं है क्या, आपको एक कोड की जरूरत है ड्रैगन एग को लेने के लिए, और अगर आपने बिना कोड के ड्रैगन एग लिया तो ये पूरी जगह। थैंक यू डीओपी। ये पागल डीओपी ने हमारी पूरी पोल खोल दी, पर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा अंडा बहुत ज्यादा सेफ है। निज भाई अब तो समझ गया होगा आपको, तो यहाँ से दूर रहो, यहाँ पे आप कुछ भी छोटी सी भी चीज करोगे ना प्रॉब्लम हो सकता है, ड्रैगन एग किसी को नहीं मिलेगा। तो अभी निकल जाओ, चलो जाओ भाई जाओ, चलो चलो चलो, कोई ना थोड़ी देर में आएंगे हम कोड के साथ। कोड नहीं मिलने वाला। निकलो भाई निकलो, इधर जाओ ना दीपू भाई, जाओ भाई मर के सो गए क्या? अरे निकलो निकलो निकलो। अभी तो हमने हमारे सुपर एडवांस हिडन सीक्रेट चेंबर बेस की सिक्योरिटी का लाइव एग्जांपल देख लिया था। हाईटेक सिक्योरिटी है भाई। तो इसी खुशी में मैं डिसाइड करता हूँ टू डू अ मैजिक शो, क्योंकि मेरी सीक्रेट टेक्निक से अब तो मैं नेक्स्ट लेवल मैजिक कर सकता हूँ। रुको भाई इतनी देर से घुमा रहे हो, पहले ये बताओ ट्रिक क्या है? अच्छा चलो गाइस, मैजिक शो करने से पहले ट्रिक रिवील कर देता हूँ क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो देखो ट्रिक बहुत सिंपल है, ये सारी ग्लिच एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैं यूज कर रहा था इमोट क्राफ्ट मॉड। हाँ हाँ यही इमोट क्राफ्ट मॉड। बेसिकली इस मॉड से आप कोई भी इमोट या फिर एनिमेशन कर सकते हो। तो हम लोगों ने ब्लेंडर के अंदर हमारे कुछ कस्टम एनिमेशन बना दिए जिससे लगे कि हम लोग ऐसा ग्लिच हो रहे हैं, इनविजिबल हो रहे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हमने भाई बहुत क्रेजी एनिमेशन बनाए और उसको हमारे में ऐड कर दिया। पर इस मॉड को सर्वर में चलाना इतना भी आसान नहीं था और इसके बारे में जानने के लिए हमको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, जब मैंने इस मॉड को पहली बार सर्वर में टेस्ट किया। यो भी वो मॉड डाल दिया तूने? अरे हाँ डाल लिया ना भाई। फिर देख अब ऐसी चीज करने वाला हूँ ना, हिल जाएगा तू, हिल। आज तक तूने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। ठीक है रेडी है? ओ रेडी रेडी रेडी। ओके हिला डाला ना भाई, बोलती बंद होगी ना मेरा जादू देख के। हेलो
भाई ऐसा ही शौक ही तो करना है भाई। भाई वो मतलब क्या भाई, देख नहीं रहा क्या मुझे तू? भाई कुछ नहीं देख पा रहा भाई। What? मतलब ट्रिक कहाँ है आपकी, ये खड़े तो आप बस नॉर्मल क्या देखो तू, ये नहीं देख पा रहा, ये जो मैं ये जो सब कर रहा हूँ ये नहीं देख पा रहा तू? नहीं भाई कुछ नहीं दिख रहा, सर्वर में ये मॉड काम ही नहीं कर रहा था। तो जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि इस मॉड के साथ सर्वर के अंदर प्लगइन भी डालना होता है। अरे भाई पर सर्वर में ये वाला प्लगइन कैसे डलवाएंगे? वो प्लगइन डालने के लिए तो सर्वर ऑपरेटर ही डाल सकता है, हम तो कर नहीं सकते, अपने पास कंसोल ही नहीं है। अब तो ऑपरेटर भी चेंज हो गया, पहले वाले को तो पोपट बना लेते थे। कौन है नया ऑपरेटर, कौन है पता है क्या आपको? पता है पर मतलब वो मानेगा नहीं भाई। मानेगा कैसे नहीं, खरीद के देखेगा उसे भाई, पैसा बहुत है मेरे पास। हेलो ऑपरेटर। हम लोग ऑपरेटर के पास चले गए हमारा प्लगइन डलवाने की कोशिश में। अच्छा देखो यार, एक प्लगइन डलवाना था हमको लापता में, बहुत इम्पोर्टेंट है तो डाल दो ना प्लीज। अरे भाई वीडियो के लिए काम है यार, निज भाई से पूछ। अरे उनको पूछने की क्या जरूरत है, एक प्लगइन ही तो है भाई। नहीं ब्रो। अच्छा ब्रो चलो पॉइंट में आते हैं, बताओ व्हाट्स योर प्राइस? तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लगता है 150 रुपया। निस गेमर के परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। चलो 250 दे देंगे भाई। अच्छा ठीक है यार, ठीक है परमिशन लेके आएंगे। छोड़ो यार छोड़ो, ये ऑपरेटर तो बड़ा ईमानदार निकला, हमारी इतनी महंगी ऑफर को भी उसने डिक्लाइन कर दिया। और ये मानेगा तो ओनर के परमिशन से ही मानेगा, पर ओनर तो हमें परमिशन देगा नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए हम लोग परमिशन बनाएंगे। अयो चड्डी गैंग को ऐसे ही थोड़ी मास्टरमाइंड बोलते हैं यार। अब देखो गाइस, ये जो तुम देख रहे हो इसमें क्या है भाई? आजकल तुमने वो वीडियो तो देखोगे मोदी जी के जो गाने आते हैं, तो ये ऐसा ही कुछ है। इसमें हम लोग निस गेमर का आवाज डालेंगे और उसका क्लोन बना देंगे, और फिर उस आवाज से ऑपरेटर को ऑर्डर देंगे, ए साले प्लगइन डाल, समझ रहे हो? बस देखो डन, क्लोनिंग रिपोजिटरी डन हो चुकी है अपनी। ऐसा लग रहा है भाई अभी थोड़ी देर में धमाका होने वाला है। और गाइज प्लीज ये आप अपने घर पे यूज ना करें, हम लोग अपने आपस में कर रहे हैं ठीक है, ऐसा किसी का नकली आवाज बना के कुछ मत बनाना। ये जब तक हो रहा है ये है 102 MB का निस गेमर की आवाज। ओके गाइज हो चुका है, ये गई निस गेमर की आवाज, निस गेमर का मॉडल हो चुका है अपलोड। और मैं अपना वॉइस डालूंगा, हेलो मैं हूँ निस गेमर, मैंने पीवीपी क्या छोड़ी, दुनिया पीवीपी गॉड बन गई। और इसको अपलोड करने के बाद फाइनल रिजल्ट रेडी था। ओके सुनते हैं गाइस, आ चुका है, हेलो मैं हूँ निस गेमर, मैंने पीवीपी क्या छोड़ी, दुनिया पीवीपी गॉड बन गई। ओह माय गॉड ब्रो, भाई क्या रियल होना, ये भाई मजा आ गया। ये तो क्या रियल है भाई, भाई भाई ये लेके जाओ भाई ऑपरेटर के पास। तो मैं मेरे को लगता है कि मेरी वॉइस सूटेबल ही नहीं है इसके लिए, मेरे भाई की हो सकती है, हमको निस गेमर के इसमें बोलना पड़ेगा। रुको यश बोल, मैं हूँ निस गेमर, पीवीपी गॉड हूँ, पर चट्टी गैंग से डरता हूँ। ओके अब ये हम लोग हमारा सेकंड अटेम्प्ट भी डाल देते हैं, एंड लेट्स होप कि इस बार आवाज अच्छी आए। 1 2 3 गो। मैं हूँ निस गेमर, पीवीपी गॉड हूँ, पर चट्टी गैंग से डरता हूँ। वो ए ए तो भाई ऑलमोस्ट रियल है भाई, बस थोड़ी बहुत रह रही है, तो नॉइस सप्रेशन वगैरह लगा दिए उसमें तो भाई तो क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो। अब देखो मेरे निस एआई का प्रकोप, मेरा निज एआई अब रेडी था, और अब बारी थी लापता ऑपरेटर को उल्लू बनाने की। ओके लैपिस भाई इसको मैसेज कर रहे हो, करो भाई लापता ऑपरेटर भाई परमिशन मिल गई। लैपिस भाई ऐड करो भाई। हाँ। क्लिप डाल लैपिस बीच। अच्छा सुन, ये जो PHT भाई बोल रहे हैं प्लगइन डालने को डाल दे। अब देखते क्या बोलता है। टाइपिंग भाई तो सस्पेंस बना रहा है। क्या टाइपिंग कर रहा है भाई, पकड़े तो नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे मिशन खत्म नहीं हुआ था, अब मेन काम प्लगइन का अपलोड होना बाकी था। अपलोडिंग डेविस भाई भाई बस मजा आ रहा है। ब्रो व्हाट अप। हेलो PHT भाई, मॉनिटर करा दिया। अरे क्या हो गया। और हमने सक्सेसफुली ये प्लगइन सर्वर में डलवा दिया था। और रही बात प्लेयर्स के गेम में मॉड डलवाने की, तो वो मैंने रिकॉर्डिंग के बहाने डलवा दिए थे। चलो अब चलते हैं वापस हमारे मैजिक शो पे। वेलकम दोस्तों, PSD1 मैजिक शो। चलो सब लोग आओ, मारा पीटी नहीं, सब लोग बैठ जाओ। जैसे कि आपको पता है कि मैं लापता SMP में मैजिक शो करने के लिए बहुत फेमस हूं। यस यस यस, तो ये सबसे खतरनाक मैजिक शो होने वाला है, हमारा मैजिक शो 3। रिलैक्स। सबसे पहले मैं एक सिंपल मैजिक ट्रिक के साथ चालू करना चाहूंगा, उसके लिए हमें एक वॉलंटियर लगेगा, आप में से कौन आना चाहेगा? जाओ कॉफी भाई, आपको जाना, जाओ
ठीक है भाई, वापस बैठो लैपिस भाई, आप आओ। ये तो मिले हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई हमारी दोस्ती भी नहीं है, मतलब हम तो जानते भी नहीं है एक दूसरे को। तो पहली ट्रिक में मैं और मिस्टर लैपिस एक एक ब्लॉक पे खड़े हो जाते हैं। तुम में से कोई एक तीन तक गिनो। 1 2 3 ये मेरे साथ पहले भी हुआ है। ये देखो जादू दोस्तों। भाई ये तो पहले भी हो रखा है, और क्या कर रहे हो इतने दिनों से आप? निज भाई रिलैक्स, ये तो हमारा स्टार्टिंग एक्ट था। अब कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगी। दिखाओ भाई। सब लोग मेरे को बोल रहे थे ना कि लैपिस मेरा दोस्त है और उसके कारण मैं ट्रिक कर पा रहा हूँ। चलो अब जो चाहे पब्लिक से आ जाओ। निज भाई आप ही आ जाओ। चलो भाई मैं आ रहा, आप ही आ जाओ। तो निज भाई आज आपको मौका है कि आप मुझे मार सकते हो। ओके मार के दिखाना मुझे, ठीक है? मार देंगे भाई, मार देंगे। चलो निज भाई मार के दिखाओ। ओके मार दो निज भाई। हेलो क्या हुआ निज, के बार मार नहीं पाड़ेगा भाई? भाई अपनी जगह पे कोई आप कुछ नहीं कर पा रहे मेरा। व्हाट कहाँ चले गए? हेलो पीएचडी भाई कहाँ चले गए भाई आप? मैं तो यहाँ हूँ यार। हेलो, मेरा शो तो एक नंबर चल रहा था, पर मुझे पता नहीं था कि ये मैजिक शो मेरे लिए कितना भारी पड़ने वाला है। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वो बड़ा यूनिक एक्ट है, उसके लिए हमने घोड़ा भी ला रखा है। सब लोग रेडी? यस रेडी। 1 2 3 गो। व्हाट भाई ये क्या हो रहा है? हवा में कैसे उड़ रहे हैं भाई? घोड़ा उधर है और आप ये घोड़ा सामने है, वो देखो ना वही तो मैजिक दोस्तों। भाई ये कहाँ चले गए भाई एकदम से? अरे भाई मैं तो इधर ही हूँ यार, जहाँ से हमेशा आता हूँ। कहाँ से? इधर से भाई, इधर से। हेलो, अरे यार वो भाई। तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक के लिए इसमें हम आयरन गोलेम यूज करेंगे। अब इस आयरन गोलेम पे थोड़ा जादू टोना कर रहा हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड। ओके ये लो। ओके डीओपी रेडी? हाँ भाई फुल रेडी। गो डीओपी। आ जा गोलम। लेट्स गो। भाई डीओपी कहाँ है? अरे भाई मैं तो यहाँ पर ही हूँ घर पे। अबे ये घर है क्या है? अबे ये भाई जादू। इट्स अ वेरी मैजिकल हाउस। अब बस मेरी एक आखिरी मैजिक ट्रिक बची थी जिसे करने के लिए मैं ऊपर जाता हूँ, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ओके गाइस जब तक वो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक मैजिक ट्रिक। What? अरे लैपिस भाई क्या है? हेलो स्टीवी क्या हो रहा है भाई? हेलो गेम मार रहे हैं उनको। अरे भाई जल्दी आओ। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे लड़के रहे हो? हेलो हमसे बदला लेने के लिए ये सब किया था। तेज भाई नीचे के पीछे में बैठे हैं सारे लोग। ओके ओके रुको रुको देखता हूँ। मैजिक शो दिखाती है दोस्तों। पीएसटी भाई हेलो हेलो भाई क्या कर रहे हो? देखो चड्डी गैंग का एक मेंबर हमने किडनैप कर दिया है और हम उसके स्पॉन पॉइंट पे बैठे हैं। अगर आप चाहते हो उसे बचाना। भाई क्या कर रहे हो क्यों? अगर डीओपी को आप जिंदा देखना चाहते हो तो ड्रैगन एग के बेस वाले कोड मेरे को दे दो। अगर नहीं दिया तो भाई डीओपी को तो हम परमानेंटली बैन कर ही देंगे। 30 मिनट है सिर्फ, 30 मिनट और 2 मिनट हो भी गए। जल्दी करो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी निकलो भाई। गाइस हेलो हेलो क्या हुआ बताओ ना। हेलो भाई क्या हुआ? भाई वो कोड रेड डीओपी को किडनैप कर लिया उन्होंने, जल्दी चलो मेरे साथ। क्या भाई कैसे ये तो बताओ। अरे भाई बैन करने वाले हैं, सिर्फ 30 मिनट है हमारे पास, जल्दी चलो। हेलो भाई जल्दी जाना कहाँ है? चड्डी गैंग सीक्रेट बेस। लेकिन वहाँ क्यों जाना है? अरे मैं सब बताता हूँ भाई, पहले चलो मैं बाद में बताता हूँ, जल्दी चलो ट्रेन में बैठो अपनी। गाइस इधर आओ जल्दी। अपनी अपनी एंट्री से आ जाओ, ठीक है? आ रहे हैं। गाइस तो निज गेमर की टीम ने डीओपी को किडनैप कर लिया क्योंकि उसको हमारा ड्रैगन एग चाहिए और उसके लिए उसके वो कोड्स चाहिए। लेकिन लैपिस भाई वो कोड सिर्फ आपके पास है और आपको नहीं देने, कोई कुछ भी हो जाए। यस भाई हमारे पास 30 मिनट थे और उसमें से 8 मिनट जा चुके हैं, तो अभी सिर्फ 22 मिनट बचे हैं। बचाओ ना, हम मतलब यहां पे कर क्या रहे हैं, बचाने चलते हैं ना। बताता हूं जहां पे डीओपी का रिस्पॉन पॉइंट था वहीं पे उन लोगों ने पूरा एरिया बना दिया है जहां पे वो लोग गार्ड कर रहे, तो इतना आसान नहीं होने वाला डीओपी को बचाना। और हमारा चड्डी गैंग का सीक्रेट बेस उस जगह से पास ही है, इसलिए हम लोग यहां पे आए थे, यहीं से लोग जाएंगे। और यहाँ पे जल्दी से प्लानिंग करके हम डीओपी की लोकेशन पे निकल पड़ते हैं। भाई साहब जल्दी कर डीओपी। स्टीवी भाई अरे निकलो भाई इधर से चल ले। आ जाओ
बिल्ड दिख रहा है, बिल्ड दिख रहा है। हेलो भाई डीओपी, हेलो हेलो भाई, देख हम लोग आ गए हैं। अरे भाई पर आप हो किधर, दिख ही नहीं रहे भाई। ऐसे सीधा अंदर नहीं आ सकते, दूर है थोड़ा सा। उधर क्या हो रहा है भाई? निज गेमर यहाँ पे चक्कर काटे जा रहा है मेरे सामने। टेंशन मत ले, देख हम लोग देखते हैं, देखते हैं ठीक है भाई। डीओपी के रिस्पॉन पॉइंट को पूरा बेस बना दिया भाई इन लोगों ने। डार्क वेब, डार्क वेब गाइस, नीचे 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 नीचे, सुनो सुनो, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि हम लोग अकेले स्टीवी को भेजेंगे उस पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए। हाँ, ठीक, okay? मैं देख रहा हूं, मैं आ चुका हूं। उनकी नजर में आ गया होगा तू। ये क्या चल रहा है अंदर पर? ये अबे स्टीवी की इस एंट्री के कारण हमें दुश्मनों की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चली। वहाँ जाते ही बेल्स बजे एंड एकदम से उन्होंने अटैक कर दिया ऑटोमेटिकली सब कुछ, शायद कोई अलार्म सिस्टम है वहाँ पे। अच्छा, और वहाँ का रिप्ले चेक करने पर हमें पता चला कि ये जगह स्पेशली हम लोगों को उससे दूर रखने के लिए बनाई गई है, और इसके चारों तरफ कल्क सेंसर का सिस्टम था। तो अगर जमीन के नीचे से कोई आने की कोशिश करे, कोई छोटी सी भी मूवमेंट हो, तो सीधा जाके अलार्म बजता है और उनको पता चल जाता है कि कोई आया है। और इसीलिए डीओपी को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। What? Hello, DOP, क्या हुआ? 30 मिनट हो गए क्या? इस टीवी को भेजा था ना भाई आपने, इसीलिए नेस गेमर मुझे मार रहे हैं भाई, अभी कुछ करो जल्दी। यस डी भाई, चालाकी करने की कोशिश मत करो, कोड दे दो वरना डीओपी भाई उसको सब समझ रहा है भाई अपन क्या कर रहे हैं। अरे दोस्तों क्या कर रहे हो, अभी तक नहीं बचाया? अबे इतना इजी है बचाना, तो खुद बच के आ जाना, बचाने की ट्राई तो कर रहे हैं इधर। रुक जा डीओपी, कर रहे टेंशन मत ले। और इस एरिया को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने पर हमें एक एंट्रेंस मिली जहाँ पे वो पूरा स्कल्क सेंसर का सिस्टम था भाई, यही से इनका अलार्म सिस्टम ट्रिगर होता है। अबे ये सब क्या है भाई? और अगर हमने कोई भी आवाज किया उनको अलार्म आ जाता, तो हम थोड़ा सा भी बेस के आसपास आए। भाई मुझे ये नकली सा क्यों लग रहा है? मतलब लग नहीं रहा है, ऐसा काम करता है ये, दिखावे के लिए लगाया शायद। हो सकता है, लैपिस भाई एक बार ट्राई करो। एक सेकंड भाई, अभी पता लग जाएगा। ओह सिग्नल जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, सिग्नल गया। ब्रो, अबे ब्रो ये क्या? नहीं नहीं नहीं, कोड। अरे दे दो ना कोड। नहीं देंगे यार, ड्रैगन एग हमारे पास रहना चाहिए। और अभी हम ऐसे प्रॉब्लम में फंस चुके थे जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक ब्लॉक की गैप से हम अंदर जा ही नहीं सकते, और अंदर जाने के लिए हमें आवाज करना होगा, और अगर हम आवाज करेंगे तो वो डीओपी को मार देंगे। बिना सेंसर को ट्रिगर करे इससे आगे जाना तो इम्पॉसिबल है भाई। नहीं 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 नहीं, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग आगे जा सकते हैं। क्या? यस VR, क्योंकि VR Minecraft में हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो नॉर्मल Minecraft में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होना, और एक ब्लॉक की गैप में बिना आवाज करे ट्रैवल करना। हेलो दोस्तों, लैपिस भाई। हेलो, चलो भाई चलो, VR से आया हूँ मैं। हाँ, वो तो दिख रहा है। ये दिख रहा है क्या? हाँ भाई, क्योंकि अभी मेरे पास VR है, मैं वो छेद के अंदर से जा सकता हूँ बिना कोई आवाज करे, और मैं ट्राई करूंगा एंड तक जाने की और डीओपी को बचाने की। डीओपी भाई आ रहा हूँ, आ जाओ भाई। ओके okay, लेट्स गो। डीओपी बैन हो सकता है ये गलती पे। ओके गाइस जा रहा हूँ, ठीक है चलो भाई, आपकी दुआ हमारे साथ है, लेट्स गो। आवाज मत करना ठीक है, गाइस मैं अंदर हूँ, एक बार तुम लोग को देख लूं। ओ भाई ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, जा जाओ। ओके ओके ओके, चल रहा हूँ लैपिस भाई। आवाज तो नहीं हो रही होगी? हाँ आवाज नहीं हो रही, कोई स्कल्क सेंसर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ भाई। वी आर जादू गाइस, हाफवे, आई एम हाफवे। हाँ आधा तक, ठीक है भाई। ऊपर कोई है क्या? मैं देखता हूँ, एक सेकंड। उनको पता ही नहीं चला होगा, उनको अभी तक पता नहीं चला होगा। अरे बाप रे, कितने सारे स्कल्क सेंसर है इधर। ओह माय गॉड, हाय गाइस। हाय, बोल रहा था बस तुम्हें, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मिशन पे फोकस करो भाई। अरे बाप रे दोस्तों, दर्द हो गया। अरे भाई क्या करना पड़ रहा है, ये डीओपी साले। अरे सॉरी भाई, मुझे थोड़ा ना पता था मेरे साथ ये हो जाएगा, और तेरे लिए इतना सब कर रहे हैं हम लोग। धन्यवाद भाई, आराम आराम से जा रहा हूँ सब कुछ देख के। क्या वाह भाई, पेट चल गया क्या? अरे भाई, और जब मुझे लग ही रहा था कि वीआर बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, तभी बस गाइस पहुंच रहा हूँ भाई, जितना हार्ड होते। ओह शिट, ऑलमोस्ट तो पहुंच गए पीटर। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? मेरे साइड में बैड है, अगर वो हिला ना तो आवाज होगा। क्या करूं इसका? मारना मत, मारना मत। मारू नहीं, नहीं भाई आवाज होगा। अरे मारने का सोच रहे हो क्या? बहुत आवाज होगा भाई। साइड से आओ, साइड से आओ। रुको रुको भाई, प्लीज तेरे पैर पड़ता हूँ, ठीक है? हिलियो मत, तेरी हिल गया। शिट 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 शिट,
ऊपर और टीएनटी कटे। अबे अरे टीएनटी भाई इसकी मेरे ऊपर टीएनटी फटा। शिट शिट भाई गए खत्म बीएसटी भाई खत्म। आप कुछ नहीं कर सकते दोनों ऊपर है भाई दोनों भाई ढूंढ रहे हैं आपको वो दोनों कुछ करो। बीएसटी भाई छुपो वो लोग वापस आ रहे हैं आप दिख जाओगे। आगे 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 ओ शिट भाई मेरे ऊपर से जा रहे ऊपर से जा रहे भाई लोग तो भाई उनको दिखा नहीं मैं ग्लिच में था। ओ बढ़िया 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 गए 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 वापस गए वापस गए वापस गए। ओके 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 मिशन खत्म नहीं हुआ है मैं जा रहा हूं। गाइस बहुत फास्ट जा रहा हूं ऑलमोस्ट पहुंच गया मैं थोड़ा सा रह गया डीओपी पहुंच गया थोड़ा सा रह गया पहुंच गया। गाइस यहाँ से रास्ता खत्म होता है रेडस्टोन का सिग्नल जाता है लेकिन अगर मैं कुछ भी तोड़ूंगा ना तो उधर फिर भी जा सकता है सिग्नल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक छोटी सी गैप है उधर से जा रहा हूँ छोटी से। हाँ पहुंच तो जाओगे निकल जाओगे निकल जाओगे पहुंच गया टनल से तो निकल जाओगे। अरे भाई एक एक ब्लॉक की गैप है आ भाई कमर दर्द हो गई मेरी। ओ हाँ पहुंच गए। शिट 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 क्या हुआ यहाँ पे डेड एंड है आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। What? और अगर ब्लॉक तोड़ा तो स्कल्क सेंसर बचेंगे तो अब क्या करें पीएसडी भाई अगर स्कल्क सेंसर तोड़ा तो काम हो सकता है तोड़ दो पर यहाँ पे दो स्कल्क सेंसर है और मैं एक साथ दो नहीं तोड़ सकता खत्म है लैबेज भाई। What? और इतने अंदर आ चुका हूँ ना भैंस की मेरे ऊपर है निस गेमर का नाम दिख रहा है उधर। अब तो मैं क्राउच मोड में मेरा नेम टैग नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं पूरी तरह से फंस गया था क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था भाई समझ नहीं आ रहा आगे क्या करे। लैपिस भाई वापस आ जाओ क्या। नहीं पीएसटी भाई इतनी मेहनत करके पहुंचे वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। तो भाई मैं आगे कैसे जाऊँ। नहीं भाई अगर आप देखो लास्ट के सिर्फ दो तीन मिनट बचे हैं और डीओपी को भी बचाना है भाई मैं क्या करूँ फिर ये स्कल एक तोड़ा तो दूसरा बचेगा। सोचो भाई कुछ मेरे पास एक आइडिया मेरे पास एक आइडिया क्या Yes, Mr. Lapis के पास भी VR है और इनका प्लान बहुत सिंपल था वो भी मेरी तरह VR से मेरे पास आएंगे और वो दोनों स्कल सेंसर को अगर हम एक साथ तोड़ेंगे तो शायद कोई आवाज नहीं होगा और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आ रहा हूँ PSG भाई आ रहा हूँ और जल्दी करो आ रहा हूँ बस। बस आ गया PSG भाई बस पहुंच गया। लैपिस भाई आ गए आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया कहाँ हो भाई इधर के क्षेत्र में हूँ। हेलो इधर इधर ओए अरे लेफ्ट लेफ्ट इधर भाई ओए अंधे। हां आओ लैपिस भाई आ गया 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 रुको आप लैपिस भाई आप लेफ्ट वाला पकड़ो। ठीक है एक साथ तोड़ना है ठीक है एक साथ मैं राइट वाला थ्री टू वन पे तोड़ना है ठीक है। ओके लैपिस भाई वन टू थ्री गो तोड़ो 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 कर दिया लैपिस भाई। Shit, shit, shit! बच गई, shit! बच गई भाई! भागो लैपिस भाई यहाँ से भागो! निकलो, निकलो, भागो! निकलो, पकड़ लेंगे वो! निकल! वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। लैपिस भाई डिस्ट्रैक्ट कर, ऊपर निकलना पड़ेगा अभी। अपना, अपने आप को बचाओ। ओके, आगे, ओ शिट, निस गेमर मेरे सामने। निस गेमर अच्छा और यही मेरी वीकनेस थी। देखो VR माइनक्राफ्ट में तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो लेकिन एक चीज है जो ढंग से नहीं कर सकते वो है PvP। देख लो भाई क्या है ये। ओ शिट भाई खेलते नहीं आ रहा मुझे। शिट 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 अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। लैपिस भाई भाग जाओ। नहीं अरे फिर DOP का क्या होगा भाई देख लेंगे। मैं निकल गया मैं निकल रहा हूँ मैं निकल रहा हूँ मैं निकल रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। बच गया भाई डार्क वेब से एस्केप कर लिया मैंने। टीवी भाई तो हम लोग इसको देख रहे तब तक तो स्टीव डीओपी को बचा जा जल्दी। हाँ हाँ जा रहा हूँ ओके जा रहा हूँ जल्दी जा स्टीव भाई जा रहा हूँ मैं पहुँच गया पीछे बस पहुँचा क्या पहुँचा डीओपी है ना उधर। हेलो भाई डीओपी जल्दी निकल जल्दी जल्दी दो 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 खाना मैं भागूं क्या जा रहा हूं मैं जा निकलो तू लोग सब निकल जाओ सब निकल जाओ जा रहा हूं भाई जल्दी भागो 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 लेट्स गो डीओपी बच के आप सब सेफ है पीएसटी भाई आप भी निकल लो वहां से। नहीं मैं लड़ रहा हूं शिट पीएसटी भाई मैं ये फाइट तो हार गया था लेकिन हम लोग ये वॉर जीत चुके थे और अब हर कोई सेफ था। अरे यार शिट ओके गाइस कोई बात नहीं मैं आ रहा हूं बच गए भाई लेट्स गो डीओपी। रुको 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 पीएसटी भाई रुको 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 क्या हुआ सुनो जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक रिस्पॉन्ड मत करना। ठीक है पर क्या हुआ। अरे रुको तो मेरी बात सुनो बस रिस्पॉन्ड मत करो आप। ओके ठीक है और गेमबीट के कहने पर मैं 5 मिनट तक रिस्पॉन्ड नहीं करता। गेमबीट भाई कब आना है। अरे आ जाओ अब सब कुछ रेडी है। आ रहा हूं। व्हाट
गेमबिट ने हमको बिट्रे कर दिया था। हेलो पीएसटी भाई। हेलो हेलो निस गेमर, कितनी बार करोगे ट्राई उतनी बार करोगे क्राई। पीएसटी भाई हेलो, इधर देखो भाई, नीचे क्या देख रहे हो पीएसटी भाई। मार दिया, बचा लिया भाई डीओपी को, अब खुद को कैसे बचाओगे? गेमबिट भाई ऐसा किया तूने, क्यों किया? सॉरी पीएचडी भाई, आप नहीं समझोगे। नहीं समझोगे भाई सच में। अच्छा मैं बस इतना बोलूंगा, ये जो भी बोल रहे हैं मान लो आसानी से। जिंदा बचना है अगर पीएचडी भाई तो अभी भी वो ऑफर है, कोड्स दे दो भाई, वरना तो बैड वहाँ पे पड़ा ही है और आप यहाँ पे खड़े। इस बार मैं कोड्स नहीं दे सकता आपको। तो क्या दे सकते हो भाई, चाहिए अपने को कोड्स यार, कब से सुनना नहीं दे सकता, नहीं से क्या ही है, दे दो बच जाओ यार, इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है। वो छोड़ के कुछ भी मांग लो आप। चलो कोई ना, फिर मरने के लिए रेडी हो जाओ। क्या है भाई आपकी आखिरी इच्छा? रुक जाओ रविंद्र भाई, इधर की भाई। मैं तुमको कोड्स देने के लिए तैयार हूं। व्हाट? नहीं लैपिस भाई, नहीं नहीं, अरे पीएसडी भाई को छोड़ दो, मैं आपको कोड्स दे दूंगा। नहीं लैपिस भाई, नहीं देने। दो और ले जाओ भाई, दो और ले जाओ बस, और किसी की नहीं सुनो। नहीं लैपिस भाई, नहीं रुक जाओ। नहीं भाई पीएसडी भाई, मैं आपको मरने नहीं दे सकता। देखो ना इसके बार कोड्स मेरे हाथ में है, बस देखो देखो, बस कुछ नहीं करना। पीएसडी भाई चुपचाप खड़े रहो। अरे हाँ? मैं देने के लिए रेडी हूँ। सबसे पहले बस मेरे को पीएसटी भाई को यहाँ से बाहर करना है, बस मैं देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है कर लो, जो करना है कर लो जल्दी। नहीं लैपिस भाई क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे हाथ में खारिश हो रही है अभी। ठीक है जाओ जाओ पीएसटी, यहाँ से निकलो, ये लो पिकैक्स, निकलो यहाँ से किताब, जल्दी कोड्स। ठीक है ठीक है, मरना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, जाओ ये लो भाई, ये लो, निकल रहा हूँ लैपिस भाई। लिमिट भाई गलत किया आपने। चलो दोस्तों जल्दी कोड्स पे चलो, ड्रैगन एग लेके आते हैं, चलो 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 जल्दी। चले गए पीएसआई, वो लोग गए यहाँ से, निकलते निकलते यहाँ से। भाई लैपिस भाई यार, क्यों किया आपने, कोड क्यों दिया उनको? भाई आपको थोड़ी मरने देता, आप मर जाते तो कोड्स का क्या करता मैं? ड्रैगन एक गया ना हाथ से, फायदा क्या था उस ड्रैगन एक का भाई? अभी सुनो सुनो, स्टीवी को कॉल पे लो। हेलो हेलो हेलो, हाँ पीएसआई। हेलो स्टीवी सुन। हाँ हाँ क्या हुआ? फाइनल वाला प्लान एग्जीक्यूट करते। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कर रहे हो पीएसआई भाई? जा स्टीवी जल्दी पहुँच। हाँ जल्दी जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हो गया पीएसटी भाई, उड़वा दिया क्या अंडा? हंस क्यों रहे हो भाई, अंडा चला गया क्या फायदा इतने सब कुछ करने का जब अंडा ही चला जाएगा तो? लैपिस भाई आपको याद है वो लापता ऑपरेटर जिससे हमने प्लगइन डलवाया था? हाँ। उसके बाद मैंने उससे सर्वर में एक डिफॉल्ट टेक्सचर पैक भी डलवाया था। क्या था उस टेक्सचर पैक में? उस टेक्सचर पैक में अगर तुम एक सही नेम टैग यूज करो तो एक एनविल ड्रैगन एग जैसी दिखती है। व्हाट? मतलब हमारे सीक्रेट बेस पे ड्रैगन एग नहीं एनविल है? जो अभी निस गेमर के सामने फट चुका है और उनको लग रहा है कि ड्रैगन एग जा चुका है। ओ भाई साहब, भाई ये तो खतरनाक कर दिया आपने। आपको लगता है मैं गेमबिट जैसे बंदे पे पूरा ट्रस्ट कर लूं और उसे अपने सारे सीक्रेट बता दूंगा? आप हमारे टीम में क्यों हो? हालांकि आप हमेशा कोपी भाई के साथ रहे हो, लॉयल में भी और हर जगह पे भी, तो यहाँ पे आपको हमारे साथ क्यों आना है? मुझे पहले से गेमबिट पे शक था और इसीलिए मैंने वो सीक्रेट बेस पे ड्रैगन एग नहीं रखा। तो भाई ड्रैगन एग है कहाँ? चलो मेरे साथ। भाई कहाँ पे है ड्रैगन एग? आओ लैपिस भाई वो देखो। अबे अबे तो वही जगह है जहाँ पे अपने फर्स्ट टाइम ड्रैगन एग प्लेस किया था। यस, शुरू से एंड तक ड्रैगन एग सबकी आंखों के सामने था लेकिन किसी को नहीं दिखा। ब्रो क्या दिमाग लगाया भाई। बस एक बात याद रखना, चड्डी गैंग से ड्रैगन एग कोई नहीं ले सकता। ले
एपिस भाई देखो मेरा तो हो गया है भाई, मैं अब ये सब जिंदगी से तंग आ चुका हूँ भाई, मैं अब ये सब छोड़ के जा रहा हूँ एपिस भाई। भाई मेरे भी जाने के दिन आ गए भाई, बर्बाद हो गया हूँ। हाथ जोड़ भाई, चल आग रहा है क्या? हाथ जोड़ ऐसे ऐसे भाई ऐसे भाई ऐसे, ये देख भाई ऐसे करते है ना।